हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्फा मॉनिटर में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी स्त्री से रहें सावधान, भूल से भी न करें शादी। कैसी स्त्री से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों प्लीज आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शादी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो उससे एवं उसके परिवार की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। यदि व्यक्ति की शादी किसी संस्कारी लड़की से होती है तो वह और उसका परिवार सुखी रहता है, किंतु यदि वह लड़की असंस्कारी है तो वह सभी का जीवन अशांत कर देती है और छिन्न भिन्न कर देती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी लड़कियों और स्त्रियों के बारे में जिनसे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, यदि कोई लड़की अपनी वाणी में अनुचित है, कटु एवं अपशब्द का प्रयोग करती है, जो उनके स्वभाव से ही होता है, ऐसी स्त्रियों से शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां आपके घर की सुख शांति को भंग कर घर में अशांति फैलाती है। नंबर दो, कई स्त्रियां ऐसी होती है जो बहुत देर तक सोती रहती है, सुबह हो जाने के बाद भी वह सोती रहती है और सुबह देर से उठती है, ऐसी स्त्रियों से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर तक सोने वाली स्त्रियां आलसी होती है, जो कि आपके घर को संभालने के लायक नहीं होती है। नंबर तीन, किसी भी व्यक्ति को अपने ही गोत्र की स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी एक ही गोत्र में शादी करने को अनुचित बताया गया है। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी अनुवांशिक रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर चार, आपको किसी भी ऐसी स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए जिसका संबंध किसी अन्य पुरुष से होता है। ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती है एवं अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक वह जा सकती है। इसीलिए ऐसी स्त्रियां या फिर लड़कियां जिसका संबंध किसी अन्य पुरुष से होता है, उससे भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों नंबर पांच है, जिस स्त्री में मांगलिक दोष होता है उस स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए। मांगलिक दोष वाली स्त्री से शादी करने से आपके शादी के एक या दो वर्ष में कोई भी अनुचित घटना घट सकती है या फिर कोई अनहोनी हो सकती है, इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को दिल खोलकर सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचेगी उतने ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सकेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को दिल खोलकर सभी के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्फा मॉनिटर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मिलते रहे नए नए वीडियो सबसे पहले।